सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दो सपा नेता आपस में ही भिड़ गए। एक तरफ थे सुल्तानपुर के पूर्व सांसद ताहिर खान तो वहीं दूसरी तरफ थे लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव मेराज खान। दोनों तरफ से जमकर लात घुसे चले। चूंकि मेराज खान अकेले थे लिहाजा ताहिर खान और उनके समर्थकों ने मेराज खान को जमकर पीटा। अब इससे ही जिले में समाजवादियों के हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 10 नेशन की खास खबर। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर मुख्यालय समेत सभी तहसीलों में विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद सपा नेता कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर वापस लौट ही रहे थे, लेकिन बस अड्डे पर पहुंचते ही पूर्व सांसद ताहिर खान के समर्थक और लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव मेराज अहमद खान आमने सामने आ गए। बकौल मेराज खान, पूर्व सांसद ताहिर खान ने उन्हें गालियां दी और उसके बाद उनकी पिटाई कर दी। कल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी का फोन गया मेरे पास कि मेराज भाई धरना है, आप बल्दी राय चले जाइएगा। तो मैंने कहा कि वहाँ विधायक जी रहेंगे अबरार साहब, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ कोई बवाल हो सकता है मेरे जाने से, मैं सुल्तानपुर आऊँगा। उसी में मैं सुल्तानपुर आया था और पार्टी कार्यालय गया, मैं ज्ञापन पर मैंने सिग्नेचर किया, उसके बाद सब लोगों के साथ मैं आगे आगे आ रहा था। पंचमुखी हनुमानगढ़ी के पास जब मैं पहुंचा तो ताहिर आए पीछे से, धक्का देते हुए उन्होंने मुझे गाली दिया, कहा कि आप टिकट मांग रहे हो भोसड़ी के, जो है आदमी ये करते हो जो है ये कर देंगे। उसके बाद हम टाल गए, हमने कहा चलो बाद में बात करते हैं। ज्ञापन होने के बाद जब बस अड्डे मुझे मिले तो मैंने इनको पूछा कि भैया आपको मुझसे तकलीफ़ क्या है, जो आप इतना जो है मुझे गाली दे रहे थे, क्या तकलीफ़ हमको बता दीजिए। तो ये आग बबूला हो गया। हमने कहा कि देखिए आप अबरार भाई नहीं हो, वो एजेंट है, मैं उनको इसीलिए चुप हो गया और खामोश हो गया कि वो एजेंट है, उनकी उम्र ज़्यादा है, तुम बराबर के हो, मैं तुमको पटक दूंगा। उसके बाद इतना कहने के बाद इनके सारे लोग जो है जुट गए हमको मारने के लिए। ये खुद मारे हैं, इनके भाई या उनके जो लोग साथ में थे सब लोगों ने हमको मारना शुरू किया। सपा नेता मेराज खान का खुलेआम है आरोप है कि ताहिर खान और उनके समर्थकों ने सरेआम उनकी पिटाई की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीडिया से मुखातिब होते हुए ताहिर खान झूठ के सहारे सबकी आंखों में उतरने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जी हां, ताहिर खान के मुताबिक कोई मारपीट हुई ही नहीं है और इस तरह के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कुछ नहीं हुआ। पार्टी का आज हम लोगों का जो मिशन था, हम उसके तहत ज्ञापन देना था राष्ट्रपति जी का, राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, इससे कोई बात ही नहीं है हमारी, हमें तो कोई जानकारी नहीं, आप बता रहे हैं तो हम जानकारी मिल रही है, क्या वायरल हो रहा है हमें जानकारी नहीं इसको। सब एलिगेशन है झूठी पॉपुलरिटी लेने के लिए, है ना, झूठी पॉपुलरिटी लेने के लिए इस तरह की बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। पूर्व सांसद ताहिर खान का कहना है कि मेराज खान के आरोप फर्जी हैं और वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग मेराज खान को पीट रहे हैं। इसी के साथ से ये दूसरा वीडियो है जिसमें ताहिर खान और मेराज खान दोनों ही दिखाई दे रहे हैं और उन दोनों में बहस हो रही है। इस वीडियो को देखने के बाद ताहिर का सफेद झूठ बेपर्दा हो रहा है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ताहिर के समर्थक और गुर्गों ने मेराज खान को क्यों पीटा। तो जनाब, इसके पीछे भी एक पुख्ता वजह है और वो वजह है आगामी विधानसभा चुनाव के टिकट की। दरअसल मेराज खान सपा से इसौली विधानसभा का टिकट चाहते हैं और इसी सीट पर ताहिर खान भी टिकट की दौड़ में है। हालांकि इस वक्त अबरार अहमद इसौली से ही विधायक हैं। जिले में जहां ताहिर अपनी पहचान रखते हैं तो वहीं मेराज खान की अखिलेश के सामने बेहतर छवि है। ऐसे में मेराज ताहिर के टिकट के लिए कटिया बन सकते हैं। ये इतना मामला है, अब क्या दिक्कत उनको, दिक्कत है मुझसे, हो सकता है टिकट मांग रहे हैं, ये टिकट हो इनको लोग लग रहा है कि जो है ये पिछड़ जाएंगे उसमें। इसके बाद आप लोग कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? अभी तो तुरंत का मामला है, अभी मुश्किल से 5 मिनट का हुआ होगा, तो अध्यक्ष जी से हमने मैं FIR करूंगा इनके खिलाफ। अध्यक्ष जी से मैंने बता दिया है, इन्होंने कहा कि अभी कार्यालय बैठ के बात करते, मैं FIR करूंगा। अबरार भाई का साथ तो नहीं किया, लेकिन इनके खिलाफ करूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा। ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं, टिकट को हम सुल्तानपुर इसौली दोनों से मांग रहे हैं और इंशाल्लाह हम सुल्तानपुर से लड़ेंगे 188 से। अगर भैया अखिलेश भैया के उस पर
वो है, अगर हमको इसौली से लड़ाएंगे तो इसौली से लड़ेंगे, अगर सुल्तानपुर से लड़ाएंगे सुल्तानपुर से लड़ेंगे, या जहाँ से भी लड़ा देंगे हिंदू उत्तर प्रदेश के जिस कोने से लड़ा देंगे हम वहाँ से लड़ लेंगे। हमें कोई लालच नहीं कि हमको कहीं से लड़ाएंगे, तब भी नहीं लड़ाएंगे, तब भी हमें कोई लालच तो है नहीं। हम तो पार्टी के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, कोई हमारी बातें नहीं हुई। वो सब धक्का मुक्की थोड़ा सा वो जो देर हो रहा होगा किसी को, तो हमने कुछ कह दिया होगा कि भैया थोड़ा किनारे हो जाओ। डेलीगेशन ऐसा नहीं, वो झूठी 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 पॉपुलरिटी के लिए, झूठी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए झूठा इस तरह का वो षड्यंत्र कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, उसी पे क्या हैसियत है समाज में आपको खुद ही मालूम, क्या मुझको बोलेंगे। इसी टिकट के बंदरबाट के चक्कर में ही मेराज खान पर यह हमला किया गया। वहीं दूसरी तरफ मेराज खान ने ताहिर खान और उनके भाई फुरकान समेत कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें ताहिर के आपराधिक इतिहास का भी जिक्र किया गया है, लेकिन ताहिर खान अभी भी अपने झूठ पर अडिग हैं। खैर, अभी टिकट किसे मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह सुल्तानपुर के समाजवादी पार्टी के नेता आपस में भिड़े हैं उससे पार्टी की छवि को बट्टा जरूर लग गया है। ये खबर हमारे संवाददाता नफीस खान और अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।